कोरोना संकट को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दुरुपयोग को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आज से नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार सुबह 8 बजे से 12 बजे तक जो जरूरी सामान खरीदने की छूट दी गई है, उस दौरान दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर टोटल प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज प्रशासन ने SDM, SDOP, थाना प्रभारी की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में बाइक जब्त की है। कुछ लोग लगातार शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर शासन अब कड़ाई से पालन करने की हिदायत दे रहा है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों से अब शासन ने सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया है। MP7 न्यूज मध्य प्रदेश के लिए बिजावर से इनायत खान की रिपोर्ट। बिल्कुल घूमेंगे नहीं, अपने घर में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, बच्चों का ख्याल करेंगे, बच्चों का ख्याल करेंगे, बच्चों का ख्याल करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, शाम रात को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है, उसमें पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। प्रतिदिन लॉकडाउन के दौरान दो पहिया चार पहिया वाहनों का आवागमन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जो भी ग्राहक अगर कोई सामान लेने जाता है तो पैदल पैदल ही जाए। शाम को देर से आदेश आया था, इसलिए प्रचार प्रसार इसका नहीं करवा पाए थे। हम लोग सुबह ही अपनी टीम को लेकर के 6 बजे से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जिन लोगों ने उल्लंघन किया है उनके वाहन हम लोगों ने अभी जब्त कर लिए हैं।